दोस्तों ये नया महीना है और जैसे आप जानते हैं नए महीने में हम एक नए टॉपिक के साथ आते हैं और इस महीने का टॉपिक जो है वो बहुत दिलचस्प है। यीशु ने कहा जो दूसरी बहुत महाआज्ञा जो है बड़ी महाआज्ञा है वो ये है कि अपने पड़ोसी से ऐसे प्रेम करना जैसे हम खुद से करते हैं। वैसे सुनाई तो आसान देता है लेकिन इतना आसान है नहीं, इसी विषय को और करीब से हम जानने वाले हैं। दोस्तों जब हम इस आज्ञा के बारे में सुनते हैं कि यीशु मसीह ने कहा जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो वैसे ही उसी स्तर पर तुम्हें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, हमारे जहन में एक कहानी आती है और वो है लूका 10 की, है ना। इसी कहानी में यीशु ने एक बहुत खूबसूरत बात कही। कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन यीशु अपने शिष्यों के बीच में सिखा रहे थे, एक भीड़ भी वहाँ पर थी और उसके बीच में एक न्याय शास्त्री आता है, एक ऐसा व्यक्ति जो पुराने करार में बहुत ज्ञानी है, और वो यीशु से एक सवाल करता है। वो पूछता है कि अगर मुझे अनंत काल का जीवन पाना है तो मुझे क्या करना होगा। और यीशु उससे कहता है तू तो न्याय शास्त्री है, तेरी समझ इतनी है, तूने तू इतना पढ़ा लिखा है, तू कैसे पुराने करार को देखता है, तू कैसे समझता है परमेश्वर के वचनों को। तब वो ये कहता है कि दो आज्ञाएं जो बहुत महान है वो है, एक अपने पड़ोसी से प्रेम करना और परमेश्वर से प्रेम करना, है ना, और अपने समान। तो वो तब यीशु से एक सवाल करता है, वो कहता है मेरा पड़ोसी कौन है। आज्ञा तो आपने दे दी लेकिन मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरा पड़ोसी कौन है। कई बार जब हम ये आज्ञा सुनते हैं तो शायद ऐसा ही सवाल हमारे जहन में भी आया होगा। और तब यीशु ये कहानी सुनाता है जिसको आज हम बहुत प्रसिद्ध नाम से जानते हैं, एक भले सामरी की कहानी। और कहानी के अलग अलग पहलू है, एक पहलू को मैं आज छूना चाहता हूँ, वो है एक यात्री की कहानी। वो यात्री है जो निकल पड़ता है और दुर्घटना से अफसोस से वो चोरों के हाथ लगता है, डाकू लुटेरों के हाथों लगता है और उसकी कोई गलती नहीं है। हमारे जीवन में ऐसा होता है ना दोस्तों, कभी कभी हम कुछ गुनाह कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं जिसकी सज़ा हमें मिलती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है लेकिन उसकी सज़ा भी हमें मिली है। जैसे मौजूदा हालात को ही देखिए, इस महामारी में हमने कुछ नहीं किया जिस वजह से कि ये महामारी हम पर आए, लेकिन इस महामारी की चपेट में हम सब आ गए हैं। ऐसे में हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है। बहुत खूबसूरती से पौलुस फिलिपियों के दूसरे अध्याय 4 वचन में एक बात कहता है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियों का दूसरा अध्याय 4 वचन कहता है, फिलिपियन चैप्टर 2:4, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। कितनी खूबसूरत बात है दोस्तों जो पौलुस हमें बता रहा है कि हमें सिर्फ अपने ही फिक्र नहीं करना है, सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचना है लेकिन दूसरों को भी ध्यान में रखना है। और इसी विषय को और विस्तार से हम आने वाले महीने में और करीब से देखने वाले हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, हम मिलकर सीखेंगे और क्योंकि ये करना आसान नहीं है इसलिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत है, प्रार्थना में मदद की ज़रूरत है ताकि हम परमेश्वर से सामर्थ पाएँ और इस आज्ञा को अपने जीवन में अप्लाई करें। और ऐसा करने के लिए अगर आप भी प्रार्थना सहायता चाहते हैं, डू कॉल अस फ्रेंड्स फॉर प्रेयर। हमारा CBN प्रेयर लाइन नंबर है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा।